हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो ये न्यूमेरिकल्स है, तो आज इसको ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया था, तो आज ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूमेरिकल्स, यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने बुक में, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखो, मैं पहले पढ़ती हूँ क्या है, क्या पूछा है उसको देखेंगे और वन बाय वन उसको सॉल्व करेंगे। तो अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है वेव की, एन इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी है, इज़ ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 350 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है। ए में क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम्स 1.0 ms, ms यानी मिली सेकेंड अपार्ट। क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस निकालना है हमको, फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस को निकालना है, हाँ, फेज डिफरेंस को निकालना है। कैसे निकालना है, देखो, जब ये जो कितने अंतर पे है, टाइम दिया है, अंतर नहीं दिया है, तो वो टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम्स 10 मिली सेकंड अपार्ट, ठीक है। कितने टाइम दिया है कि कितने डिस्टेंस पे है, 1.0 मिली सेकेंड अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू दी है, इट इज़ 1.0 मिली सेकेंड, ठीक है। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1.0 इंटू 10^-3 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया, सेकंड में हमने कन्वर्ट इसको कर दिया है। अब क्या पूछा है, सेकंड बी में पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट में का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो बी पॉइंट लिखेंगे, क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे है, दो पॉइंट्स विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। दो पॉइंट्स कैसे है, 45 डिग्री के फेज डिफरेंस में है। तो यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है, और वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री, कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, इट इज़ π/4 रेडियन। ओके, π/4 रेडियन है, ठीक है। अब ये हमको पहले ए निकालना है, तो अब देखो, एक हम अगर वेव कंसिडर करते हैं, तो उसका अगर एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन जब होता है, तो वन ऑसिलेशन के लिए उसको उसका जो फेज है वो कितना रहता है, 2π, ये हमको मालूम है, एट टाइम, और टाइम रहता है टी, ठीक है, 2π रहता है और टाइम रहता है टी। तो हमको निकालना है कि डेल्टा टी अगर टाइम है, ठीक है, डेल्टा टी अगर टाइम है, तो फेज क्या रहेगा, यानी फिर फाई की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमको निकालना है। तो देखो, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली निकालते हैं, ए का पॉइंट निकालना है हमको, फेज डिफरेंस ये निकालना है ना, तो फेज डिफरेंस निकालते हैं, देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको कैसा मिलता है, ये यहाँ पे डेल्टा फाई करेंगे इसको, डेल्टा फाई इंटू टी इज इक्वल टू 2π इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कैसी आएगी, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी। तो टी की तो वैल्यू है नहीं, कैपिटल टी की वैल्यू है नहीं, पर 1/t इज नोन एज फ्रिक्वेंसी एन, तो एन तो दिया है, हमारे पास है 500 हर्ट्ज, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π डेल्टा टी, इसको ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, देखो, 2π, एन की वैल्यू है 500 और डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी, 10^-3, ये वैल्यू हमने निकाली है। अब कितना आता है, देखो, ये हो गया 1000π इंटू 10^-3, 1000 यानी 10^3 ही रहता है। नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ डेल्टा फाई की कैसा आएगी वैल्यू,
टेन रेस टू द पावर ऑफ 3000 यानी पाई इंटू वो 10^-3, इट इज़ इक्वल टू पाई, ये तो जीरो यानी वन हो जाएगा पाई रेडियन। तो ये आंसर आ गया, डेल्टा फाइव की वैल्यू कितनी आती है पाई रेडियन, ठीक है, ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब बी निकालते हैं, बी को हमको निकालना है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देखो क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ थोड़ा सा, टू पॉइंट्स, और वो कैसे है, विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो इट इज़ लैम्बडा, है ना, लैम्बडा रहता है वेव, इट इज़ नोन एज वेव लेंथ लैम्बडा, और उसके लिए फेज कितना रहता है, इट इज़ 2π रहता है। अब हमको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस सपोज हम कंसिडर करेंगे छोटा है, इसलिए डेल्टा एक्स निकालना है हमको। तो अगर डेल्टा एक्स अगर डिस्टेंस रहता है तो फेज कितना रहता है, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी फेज डिफरेंस कितना रहेगा ये हमको निकालना पड़ेगा। अब इसके ऊपर से हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, अगेन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा होगा, देखो फेज डिफरेंस इट इज़ इक्वल टू कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2π इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये लैम्बडा ये फेज डिफरेंस के साथ है, ओके। तो वी गेट फेज डिफरेंस कैसे आएगा, फेज डिफरेंस इट इज़ इक्वल टू 2π डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा मिल जाता है, ठीक है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, लैम्बडा की वैल्यू हमको दी नहीं है, देखो प्रॉब्लम में लैम्बडा की वैल्यू दी नहीं है, पर वी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो लैम्बडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द रिलेशन वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा है, तो लैम्बडा का इक्वेशन क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू वी बाय एन, तो v की वैल्यू है 350, लैम्बडा n की वैल्यू है 500, इट इज़ इक्वल टू ये कैंसल 7 × 5 = 35, 5 × 10 = दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 7/10 मीटर है, ठीक है। तो ये सपोज इक्वेशन नंबर में सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन वन बिकम्स कैसे आएगा, देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ना, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा है, तो फेज डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, देखो फेज डिफरेंस 45 डिग्री फेज दिया है, 45 डिग्री दिया है, यानी पाई बाय 4 है, ठीक है, फेज डिफरेंस है पाई बाय 4। तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, देखो पहले क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज पाई बाय 4, इट इज़ इक्वल टू 2π डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू भी अब सब्सटीट्यूट कर सकते हो, देखो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये साइड पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2π डेल्टा एक्स तो निकालना ही है, अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हमने निकाली है 7/10, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमको कैसा मिलता है, देखो ये क्या क्या कैंसिल होता है, पाई पाई भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा 20 बन जाता है, वो 20 बाय 7 हो जाता है, तो सब कट होने के बाद में हमको मिलता है 7/10, और यानी ये ऐसा मिलता है 7/10 × 8 हो जाएगा ये, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 0.0875 आता है मीटर, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर, ये आंसर आना चाहिए 8.75 सेंटीमीटर है क्या। देखो यहाँ पे पाए पहला आंसर हमारा पाए आया है, ठीक है, पहला आंसर हमारा पाई आया है ए का, और दूसरा बी का आंसर कितना आता है 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है, वही आंसर दिया है, ओके, समझ में आया। अब 11 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेरे साथ आप भी सॉल्व करो, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11, अ साउंड वेव इन अ सर्टन फ्लूइड
एक फ्लूइड है, सर्टन फ्लूइड, एक फ्लूइड है, मीडियम है वो, एज अ मीडियम इज रिफ्लेक्टेड, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड वेव एट एन ऑब्स्टेकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव. एक ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक फ्लूइड से जा रहा है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है. और क्या तैयार हो रहा है वहाँ पे? स्टैंडिंग वेव तैयार हो रही है. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज 3.75. दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, सपोज ये ऐसा है, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है? देखो ये ऐसे नोड्स है, तो ये एक नोड है और ये एक नोड है. दो नोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 3.75 सेंटीमीटर है, ठीक है, दो नोड के. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितना दिया है? इट इज़ डिस्टेंस, हम दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है वैसे आपको मालूम है, इट इज़ इक्वल टू λ/2 रहता है, ठीक है. तो ये λ/2 की वैल्यू दी है, इट इज़ इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर दिया है. ओके, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 3.75 × 10⁻²⁻²⁻ हो गया ये λ/2 की वैल्यू, ये मिल गई हमको, ठीक है. अब आगे देखो क्या बोला है. इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है? 1500 मीटर पर सेकंड. फाइंड द फ्रिक्वेंसी, क्या निकालना है हमको? एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. अब देखो लैम्बडा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं. ये जो इक्वेशन यहाँ पे λ/2 इज इक्वल टू 3.75 है, तो क्या है लैम्बडा की वैल्यू? देखो यहाँ पे मैं निकालती हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.75 × 2 हो जाएगा वो, तो इट इज़ 3.75 यानी 0.14 + 1 यानी 7.5 × 10⁻²⁻² मीटर, ये लैम्बडा मिल गया. वी है, एन की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा. वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा है, तो एन की वैल्यू कैसे आएगी? एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा आएगा. और वी वी की वैल्यू है हमारे पास में, देखो वी की वैल्यू कितनी है? 1500 है और लैम्बडा की वैल्यू 7.5 है, इंटू 10⁻²⁻². तो 1500 × 7.5 × 10 / 10⁻²⁻, हाँ 10⁻²⁻, तो ये आता है. इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 200 × 10² और इसको और हम सॉल्व करते हैं तो अगर हमने इसको 20 बना दिया तो ये 10⁻³ हो जाता है. और यानी इट इज़, आपने यहाँ तक भी किया तो भी चलेगा, यहाँ तक आप हर्ट्ज करके लिख सकते हो, नहीं तो ये 10⁻³ है यानी किलो में कन्वर्ट कर देंगे, इट इज़ 20 kHz. तो ये आंसर है, दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी. नीचे आपको लिखना पड़ेगा, देयर फॉर द फ्रिक्वेंसी इज़ 10 20 kHz, ठीक है. कितनी kHz आई है? 20 kHz, ठीक है, समझ में आया. 11 नंबर का न्यूमेरिकल बहुत ईजी था. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे. देखो 12 नंबर का न्यूमेरिकल मैं पहले पढ़ती हूँ. टू साउंड वेव्स, टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर. दो साउंड के सोर्सेस है. अब साउंड के सोर्सेस यानी स्पीकर से निकालना पड़ेगा हमको. तो सपोज ये स्पीकर है, ये एक स्पीकर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा ये स्पीकर है, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो दोनों का डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है? टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. दोनों का डिस्टेंस कितना है? इट इज़ 4 मीटर है, ठीक है. दे बोथ एमिट साउंड विथ सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए सेम है, ओके. फ्री एंड फ्रिक्वेंसी 330 हर्ट्स. दोनों की भी फ्रिक्वेंसी कितनी है? एन इज इक्वल टू 330 हर्ट्स. 330 हर्ट्स ये फ्रिक्वेंसी है, ओके. बट दे आर 180 आउट ऑफ फेज. बट वहाँ पे उनका फेज दोनों में 180 का फेज है, ठीक है. दोनों में कितने का फेज है? फाई इज इक्वल टू 180 यानी पाई का फेज है, पाई रेडियन, 180 डिग्री बोलो या पाई रेडियन. आउट ऑफ फेज एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम? कौन से पॉइंट पे दो साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम हमको मिलेगी, यह हमको निकालना है, ओके. क्या निकालना है हमको? एट व्हाट पॉइंट द साउंड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम,
अब हम पहले इसको समझ लेते हैं और फिर निकालते हैं। देखो साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ रहती है, जहाँ पे एंटी नोड तैयार होता है। हमको मालूम है ये एंटी नोड पे साउंड मैक्सिमम रहेगा और नोड पे मिनिमम रहेगा। नोड ये है और बीच में एंटी नोड है सपोज, तो एंटी नोड पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम रहेगा। तो एट एंटी नोड ऐसा लिख सकते हैं हम, एट एंटी नोड, नोड एट एंटी नोड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ठीक है। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी ये अगर हम ये कंसिडर करते हैं 4 मीटर अपार्ट ऊपर, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे वहाँ पे क्या क्रिएट होंगे, नोड्स तैयार होंगे। तो हम लिख सकते हैं नोड्स आर प्रोड्यूस्ड, नोड्स आर फॉर्म भी बोल सकते हो, प्रोड्यूस एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ पे तैयार होती है नोड्स, एक्सट्रीम पोजीशन पे तैयार हो रही है, ठीक है। तो कैसा आएगा यहाँ पे देखो, ये साउंड वेव्स, अब ये बीच वाला ये सेंटर पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो ये साइड 2 मीटर की हो गई, ये साइड भी 2 मीटर की हो गई, ठीक है। तो ये बीच वाला हम कंसिडर करते हैं, तो सपोज ये 0 को कंसिडर करते हैं, ये साइड लेफ्ट साइड है वो निगेटिव साइड है, ये साइड है इट इज़ पॉजिटिव साइड। मैं अच्छे से ये साइड डायरेक्ट ये डायग्राम निकालती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटी हो गई डायग्राम, तो देखो ये ऐसे इस प्रकार से ये दो स्पीकर्स है विच आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 4m, और 4m है, तो सपोज ये दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है, तो सेंटर है तो ये साइड सपोज ये 0 है, तो ये साइड निगेटिव है लेफ्ट साइड और दिस इज द पॉजिटिव साइड। अब ये पूरी टोटल 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर में है, ठीक है। अब 1 मीटर में हम 2 मीटर में हम कंसिडर कर सकते हैं कितने लूप्स तैयार होते हैं। देखो ये ऐसा यहाँ पे ये साइड ऐसे लूप तैयार हो गए और ये साइड भी इस प्रकार से लूप्स तैयार हो गए। जैसे हमने बोला है कि नोड्स आर प्रोड्यूस एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या तैयार होगा, नोड तैयार होगा, ठीक है। ये बीच में एंटी नोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके यहाँ तक समझ में आया। तो जो एंटी नोड है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना, तो जो फर्स्ट एंटी नोड है सपोज ये है 0 पोजीशन, उसके बाद में जो फर्स्ट एंटी नोड हमको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पहली एंटी नोड कितने इसमें तैयार होती है, ये नोड है, हमको मालूम है नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, इट इज़ लैम्डा बाय 4, यानी पहली जो एंटी नोड है वो लैम्डा बाय 4 पे मिलती है। दूसरी एंटी नोड किसके कितने डिस्टेंस पर मिलती है, ये एंटी नोड मिल गई लैम्डा बाय 4 पे मिल गई हमको, जैसे ये मैं ऐसा निकालती हूँ, ये नोड है, ये एंटी नोड है, फिर से एक नोड हमको यहाँ पे मिल रही है और फिर हमको एंटी नोड मिलेगी। तो ये डिस्टेंस है पहला वाला लैम्डा बाय 4, दूसरा भी लैम्डा बाय 4, तीसरा भी लैम्डा बाय 4, यानी वी गेट 3λ/4, ठीक है। सेकेंड एंटी नोड हमको मिलेगा 3λ/4 पे, थर्ड एंटी नोड कहाँ पे मिलेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये समझ बहुत ये थ्योरी समझनी बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो देखो बहुत कंसेप्ट वाला ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे ऐसे ही निकालती हूँ कि सपोज़ ये नोड है, ये एंटी नोड है, पहला एंटी नोड हमको लैम्डा बाय फोर पे मिलता है, सेकंड एंटी नोड हमको कहाँ पे मिलता है, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम एंटी नोड पे है, साउंड ज़्यादा हमको मैक्सिमम एंटी नोड पे सुनाई देगा, तो ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ λ/4। तो पहला एंटी नोड यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फर्स्ट एंटी नोड हमको मिल रहा है λ/4 पे, ठीक है। सेकंड एंटी नोड हमको कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, देखो सेकंड वाला हमको मिल रहा है λ/4 + λ/4 + λ/4, यानी 3λ/4 पे मिल रहा है, ओके ये तो समझ में आया आपको। और थर्ड एंटी नोड हमको कब मिलेगा, ठीक है, थर्ड एंटी नोड हमको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से एक नोड होगा, फिर से एक एंटी नोड, थर्ड एंटी नोड हमको मिलेगा, देखो कितने हो गए, 5 हो गए, 5λ/4 पे मिलेगा, ठीक है। और एक अगर फोर्थ हमको एंटी नोड चाहिए तो कैसा मिलेगा, देखो इट इज़ और λ/4 को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, 2λ/4, यानी इट बिकम्स कितने λ/4 हो गए, फोर्थ एंटी नोड हमको मिल रहा है, इट इज़
सेवन लैम्डा बाय फोर पे, ठीक है। और ये सिर्फ एक साइड पे नहीं, ऐसे हमको दोनों साइड में भी मिल रहा है, एक साइड पॉजिटिव की है, दूसरी साइड निगेटिव की है, ठीक है। दोनों साइड में 2 मीटर में हमको यहाँ तक की पॉसिबल मिल सकती है कि 4 लूप्स हमको मिल रहे हैं बिटवीन द 2 सर्विसेज एंड सेंटर हमने लिया है यहाँ पे रेफरेंस करके, ठीक है। 4 लूप्स मिल गए हैं तो और सेंटर हम ले रहे हैं, ठीक है। यह यहाँ तक समझ में आया, तो यानी 2 साइड में मिलने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा बाय 4 प्लस नहीं लिखेंगे, तो माइनस में भी मिल रहा है वैसे प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि 2 साइड हमने यहाँ पे कंसिडर की है, देखो पॉजिटिव निगेटिव। ये साइड पे भी फर्स्ट एंटीनोड लैम्बडा बाय 4 पे मिलेगी, तो लेफ्ट साइड में हमको फर्स्ट एंटीनोड माइनस लैम्बडा बाय 4 पे मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ तक। अब हमको क्या करना है कि अब हमको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड कितना है, इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 है, ठीक है। लैम्बडा बाय 4 है तो लैम्बडा की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो लैम्बडा की वैल्यू कितने कैसे निकालते हैं, वी बाय एन, क्योंकि वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा हमको मालूम है। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 330, देखो वी की वैल्यू यहाँ पे, हाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 लेना पड़ेगा, ठीक है। वो गिवन नहीं है, प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो हमको लेना पड़ेगा 330, और फ्रिक्वेंसी भी 330 ही है, तो 330 अपॉन 330 इट इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। ये हमने निकाला हुआ है। अब एंटीनोड हमको मिल रही है, एंटीनोड कब कब मिल रही है वो लिखती हूँ। एंटीनोड इज एट प्लस माइनस लैम्बडा बाय 4 को मिल रही है, प्लस माइनस 3 लैम्बडा बाय 4 को मिल रही है, प्लस माइनस देन मिल रही है 5 लैम्बडा बाय 4, और प्लस माइनस और मिल रही है 7 लैम्बडा बाय 4 को मिल रही है, ठीक है। तो डिस्टेंसेस निकालने हैं हमको कि कहाँ पे फ्रॉम सेंटर से हमको ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी कितने मीटर पे मिल रहे हैं उसको निकालना है। तो लैम्बडा की वैल्यू डालते हैं पहले फर्स्ट, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, फर्स्ट एंटीनोड है हमारा लैम्बडा बाय प्लस माइनस लैम्बडा बाय 4 पे है, लैम्बडा बाय 4 यानी लैम्बडा की वैल्यू ऐड करते हैं 1/4 हो गया, इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.25 मीटर पे मिल रहा है, ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड पॉइंट प्लस माइनस 3 लैम्बडा बाय 4 है, 3 लैम्बडा बाय 4 यानी देखो प्लस माइनस 3 इंटू लैम्बडा की वैल्यू 1 है, हमने ये निकाली है 1, लैम्बडा की वैल्यू 1 निकाली है ऊपर देखो, तो 3 इंटू 3/4 मिलता है, 3/4 यानी 0.75 मीटर हो गया, ठीक है। वैसे अब प्लस थर्ड वाला मिलता है हमको, थर्ड पॉइंट एंटी नोड वाला, वो मिलता है 5 लैम्बडा बाय 4 यानी इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 यानी 5/4 यानी इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1.25 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से, और चौथा जो है फोर्थ वाला जो है वो 7 लैम्बडा बाय 4 को मिलता है, यानी प्लस माइनस 7/4 हो जाएगा, 7/4 यानी इट इज़ इक्वल टू 1.75 मीटर, यानी ये पॉइंट्स हमको मिलेंगे सेंटर से, जो सेंटर हमने यहाँ पे निकाला था, देखो सेंटर हमने निकाला था तो कितने कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम साउंड हमको मिलेगा, यही पूछा है ना कि एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द 2 सोर्सेस विल साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट एंटी नोड एंड एंटी नोड हमको लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4 को मिलता है, तो उसके ऊपर से हमने ये डिस्टेंसेस निकाले हैं जो कि अच्छे आपको दिखाई देंगे अच्छे से। आज हैंडराइटिंग नहीं आ रहा तो समझ लीजिएगा, तो 10 यहां पे हम लिख सकते हैं कि पहला कितना है डिस्टेंस, प्लस माइनस 0.25 मीटर पे हमको मिल रहा है, देन प्लस माइनस 0.75 मीटर पे मिल रहा है, देन प्लस माइनस 1.25 मीटर पे मिल रहा है, और एंड प्लस माइनस 1.75 मीटर पे मिल रहा है। इट इज़ द दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम सेंटर सेंटर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया ये आंसर? बहुत कंसेप्चुअल ये न्यूमेरिकल था, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? तो समझ में आया 12 नंबर का। अब 13 नंबर के पास जाएंगे। ये हमारे आंसर में देखिए, आंसर में यही है 0.25 प्लस माइनस 0.75 प्लस माइनस 1.25, ऐसे ही है, ठीक है? समझ में आया। अब नेक्स्ट 13 नंबर का मैं पढ़ती हूँ, क्या है देखो। टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड। तो दो साउंड वेव्स हमको कंसिडर करने हैं और वो उनकी स्पीड दी है वी इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल, दोनों की फ्रीक्वेंसी, दो साउंड वेव बट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है, सेम है, और वो फ्रीक्वेंसी एक ही लिखते हैं हम, दो साउंड वेव्स है तो n1 n2 नहीं लिखते हैं, बिकॉज n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n, इट इज इक्वल टू 540 हर्ट्ज। वॉट विल बी द फेज डिफरेंस, क्या निकालना है हमको? फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डेल्टा फाई। वॉट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स। एक सोर्स जो है, एक सोर्स यहाँ पे हम एक सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, वो ये पॉइंट से कितने मीटर के अंतर पे है? 3.5 मीटर पे है। और दूसरा सोर्स जो है वो ये पॉइंट से कितने मीटर पे है? 3 मीटर पे है। देखो यहाँ पे फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम अदर इफ द सोर्सेस आर इन फेज। दोनों भी सोर्सेस कैसे आर इन फेज, ठीक है? तो पहले वाला पॉइंट जो है x1 लेते हैं, पहला 3.5 मीटर पे है और दूसरा वाला x2 लेते हैं, इट इज़ 3 मीटर, ठीक है? फेज डिफरेंस को निकालना है। अगेन यही एनोलॉजी हमको लगाना है कि अगर लैम्बडा फेज लैम्बडा, अगर एक वेव के लिए डिस्टेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस मिलता है 2π। तो जब डेल्टा एक्स जो कि डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंसेस है, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बोलेंगे डेल्टा एक्स, यानी इट इज़ नोन एज पाथ डिफरेंस, दोनों के पाथ में का डिस्टेंस। तो फिर फेज डिफरेंस क्या रहेगा? डेल्टा फाई रहेगा ना फेज, तो वो डेल्टा फाई को कैलकुलेट करना है हमको। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फेज डिफरेंस इट इज़ इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैसा आता है देखो। फेज डिफरेंस अब ये 2π इंटू डेल्टा एक्स कैसा आता है, 2π इंटू डेल्टा एक्स, और ये लैम्बडा बचा है डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ठीक है? क्योंकि लैम्बडा इंटू डेल्टा फाई है, ये डेल्टा फाई यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा नीचे चला गया, ठीक है? तो अब डेल्टा एक्स यानी क्या है? इट इज़ द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यानी कैसा है? 2π बाय लैम्बडा है, और इट इज़ डेल्टा एक्स कैसा है? x2 माइनस x1 पाथ डिफरेंस है, ठीक है? अब इसको 2π अपॉन लैम्बडा है, अगेन हमको लैम्बडा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर लैम्बडा अब हमको v इज इक्वल टू एन लैम्बडा मालूम है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो v बाय लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एन, वी की वैल्यू है 330 और n की वैल्यू है 540, तो 33 अपॉन 44 यानी 3 से अगर डिवाइड करते हैं 1 अपॉन 3 1 3 और 3 8 24 11/18 मीटर, ये ऐसा आ जाएगा। अब हमारे ये स्टार वाले इक्वेशन में ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट इन स्टार इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या आता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π नीचे आएगा 11/18, x2 है 3.5 माइनस 3.03 है, ठीक है? तो क्या मिलता है देखो, 3.5 माइनस 3.0 इट इज़, अब 18 भी ऊपर चला जाएगा, यानी 18 इंटू 2π अपॉन 11, और ये मिलता है हमको 0.5, ठीक है? नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ डेल्टा फाई इज इक्वल टू, अब कैसा मिलेगा, 2π है तो मैं 0.5 को 1/2 भी कर सकती हूँ, यानी कट हो जाएंगे। फिर देखो कैसा लिखती हूँ, अब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 18 इंटू 2π ऐसा मिला है हमको अपॉन 11 ये मिला है, तो 0.5 मिला था, देखो 0.5 की जगह मैं लिखती हूँ 1/2, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी गेट, अब क्या मिलता है इसका अगर कैलकुलेशन किया हमने तो 18 अपॉन 11 इट इज़ इक्वल टू 1.636π, ठीक है? ऐसा मिलता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 1.64π,
ये आंसर है। तो देखो यही आंसर दिया है, समझ में आया? इजी था ये, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। ओके ठीक है, फिर 14 नंबर के न्यूमेरिकल्स के तरफ जाएंगे। देखो मैं पढ़ती हूँ पहले। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर लिए हैं, सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन भी है, सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच ऑन अ सोनोमीटर, सोनोमीटर पे स्ट्रेच किया है। वन वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg, पहली वायर का लोड है एम लेते हैं उसको, एम वन लेते हैं सॉरी, इट इज़ इक्वल टू 1.5 kg। ये मास है, ये लोड है, ना कि टेंशन। टेंशन की वैल्यू, टेंशन का फॉर्मूला क्या रहता है? टी इज इक्वल टू एम जी रहता है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। एंड अदर इज़ लोडेड विथ 6 kg, दूसरे को कितने से लोड किया है? 6 kg से। ओके, द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 cm, वाइब्रेटिंग लेंथ की पहले वायर की 60 cm है, फट से इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है। एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेकेंड वायर, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सपोज एन से दिखाते हैं हम, पहले के एन वन है तो इट इज़ इक्वल टू एन टू, ये है, ये कंडीशन दी है। तो क्या निकालना है? कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ अदर वायर, दूसरे वायर की वाइब्रेटिंग लेंथ निकालो, सपोज इट इज़ एल टू है तो उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो हमारे पास में सोनोमीटर के लिए इक्वेशन है, और यहाँ पे देखो सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे जो लीनियर डेंसिटी है, सपोज पहले की एम वन है दूसरे की एम टू है, तो दोनों भी इक्वल है, तो ये क्या है, एम इज़ नोन एज लीनियर डेंसिटी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एन इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम रहता है, ठीक है। और एन वन ये रहेगा, एन वन इज इक्वल टू 2L1 टी वन अपॉन एम वन, और एन टू कैसा रहेगा, एन टू इज इक्वल टू 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन एम टू रहेगा, ठीक है। तो अब हमको दिया है एन वन इज इक्वल टू एन टू, ये कंडीशन है हमारी, एन वन इज इक्वल टू एन टू, ये गिवन कंडीशन हमारे प्रॉब्लम में दिया है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, 2L1 अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन M1 इज इक्वल टू 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन M2, क्या क्या कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट को निकालना है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करो, क्या आता है देखो, 1/4L1² T1 अपॉन M1 इज इक्वल टू 1/4L2² T2 अपॉन M2, ऐसे आ जाएगा ये। तो यहाँ तक समझ में आया? अब इसको 4 4 तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, M1 इज इक्वल टू M2 है, तो ये हो गया। अब L2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो L2 स्क्वेयर है यहाँ पे, तो ये कैसा आएगा, L2 स्क्वेयर इट इज़ इक्वल टू L1 स्क्वेयर इंटू T2 अपॉन M2, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, M1 अपॉन T1, ये ऐसा आ जाएगा। L2 स्क्वेयर का हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे, देखो क्या आता है, स्क्वेयर रूट करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, L2 लेते हैं अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वेयर T2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन T1, ठीक है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे L1 स्क्वेयर ये T2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन T1, ये ऐसा आ जाता है। L1 स्क्वेयर, L1 की वैल्यू कितनी है, L1 इज 0.6 meter, 0.6 meter है, 0.6, ये पहले उसका स्क्वायर रूट लेना चाहिए था, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। M1 की वैल्यू कितनी दी है, ये M1 की वैल्यू है हमको 6, सॉरी T2 की वैल्यू डालेंगे, T2 की वैल्यू कितनी दी है, T2 नहीं दिया है बट M1 दिया है 1.5 kg, 1.5 kg दिया है, तो 1.5 इंटू जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया टी इज इक्वल टू एम जी रहता है, ठीक है, 1.5 g, ये हो गया T2 अपॉन M2, और ऊपर आएगा एक मिनट, ये M2 की वैल्यू है 6 जी आएगा ना,
तो ये थोड़ा सा लिखते समय मेरा गलत हो गया है, तो t2 की वैल्यू ऊपर लिखना चाहिए था 6g डिवाइडेड बाय 1.5g। ये m1 m2 तो कैंसिल, ये लीनियर डेंसिटी है, दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये जी जी भी कैंसिल हो जाता है, तो वी गेट 0.6 का स्क्वायर क्या आता है, 0.6, और अंदर सिर्फ मिलता है 6 यानी 15 फोर ज़ा 60। अब ये 1.5 को हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे अंदर, 60/50 यानी इट इज़ 0.6 अंडर रूट 4, इट इज़ 0.6 × 2, इट इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर। दिस इज़ अवर आंसर। L2 की वैल्यू कितनी मिलती है, 1.2 मीटर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 15। 15 को देखते हैं, अ पाइप क्लोज एट वन एंड, एक एंड से पाइप क्लोज है, ठीक है, पाइप क्लोज एट वन एंड प्रोड्यूस ओवर कैन प्रोड्यूस ओवर टोन्स एट फ्रिक्वेंसीज। अलग अलग फ्रिक्वेंसीज दी है, ठीक है, कौन सी फ्रिक्वेंसीज दी है देखो, 640, 896 हर्ट्स एंड 1152 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी दी है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हमको कैलकुलेट करना है एन इज इक्वल टू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एन, हम एन से दिखाते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। तो अब यहाँ पे पाइप क्लोज किया है एक एंड से, तो हमको मालूम है कि फॉर ए पाइप क्लोज एट वन एंड, अगर पाइप हमारा क्लोज है वन एंड से, तो कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं, तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ये हमको मालूम है। व्हेन द पाइप क्लोज एट वन एंड देन ओनली द ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ पाइप, फॉर ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड ओनली कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये हमको मालूम है। तो अब देखो हमारा जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या रहता है, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, सपोज इट इज़ एन पी लिखते हैं हम पहली फ्रीक्वेंसी को, इट इज़ कैसा रहता है, ऑड के लिए हम लिखते हैं एन पी प्लस वन और इट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम लिखते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो पहली वाली दी है 640, पी की वैल्यू है 640, तो इट इज़ इक्वल टू, सपोज ये यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी एन पी नहीं, 2p, 2p चाहिए यहाँ पे, 2p प्लस वन, ये जनरल फॉर्मूला है ना, हाँ 2p प्लस वन, तो 2p प्लस वन एन, ठीक है, ये पहली हो गई। दूसरे के लिए हम लिखेंगे 896 हर्ट्ज़ है, 896 इज इट इज़ इक्वल टू 2, और दूसरा नंबर लेंगे, सॉरी पी है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे सपोज क्यू प्लस 1 × n लेंगे, ठीक है। और तीसरे के लिए हम ले सकते हैं 1152, इट इज़ इक्वल टू 2r + 1 × n, ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब ये पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर डिनोट्स द ओवर टोन, ये पी क्यू आर क्या है, ओवर टोन है, ओवर टोन्स है, ठीक है, पी क्यू आर क्या है, ओवर टोन है। तो अब हमको कॉन्सिक्यूटिव ओवर टोन्स कब कब मिल रहे हैं, देखो कौन से फ्रिक्वेंसी के लिए मिल रहे हैं, 640 देन 896 हर्ट्स और 1152 को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब और हमारे इसमें हमको मालूम है, हमने यहाँ पे दिखाया कि पाइप क्लोज एट वन एंड है, तो कौन से फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो द वेरियस फ्रीक्वेंसीज आर, कौन से फ्रीक्वेंसी मिलती है, वेरियस फ्रीक्वेंसीज आर, पहली वाली हमको मिलती है एन, ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है ना, एन 3n, फिर 5n, फिर 7n एंड सो ऑन, ऐसा मिलता है। और डिफरेंस बिटवीन द, अब कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना है वो हमको निकालना है। पहले देखते हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, दूसरे इसमें लिखती हूँ मैं, एक मिनट, यानी अच्छे से लिखती हूँ, हाँ, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, इट इज़ 2n, ठीक है। 2n कैसे, आपने अभी देखा है यहाँ पे देखो, n
थ्री एन माइनस एन टू एन, फाइव एन माइनस थ्री एन, दो फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, अब थ्री एन और फाइव एन के बीच का डिफरेंस टू एन है, फाइव एन और सेवन एन का बीच का डिफरेंस कितना है टू एन, वेयर एन इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, अब हमको जो गिवन फ्रिक्वेंसीज है, एक फ्रिक्वेंसी कितनी है देखो, 896 है, 640 है, बड़ी से छोटी माइनस करेंगे, 896 माइनस 690 करते हैं, दो ही लेते हैं, 896 माइनस 690 इज इक्वल टू 2n, देयरफॉर 2n इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस आता है 256, और फिर n इज इक्वल टू 256 अपॉन 2, दैट इज n इज इक्वल टू 128 हर्ट्स, ये हमको आंसर मिल जाता है, ठीक है। समझ में आया फिर आंसर, सॉरी न्यूमेरिकल समझ में आया, इजी है वैसे, सिर्फ ये सब आपको आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थ्योरी के, तो ही आपको ये आएगा अच्छे से, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं, 16 नंबर वाला, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन ए ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, ट्यूब कैसी है, ओपन एट बोथ एंड है, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज 300 हर्ट्स, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी है 300 हर्ट्स दी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो हमको क्या निकालना है, ये ट्यूब की लेंथ कितनी है ये हमको निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, वी इज इक्वल टू कितना दिया है, 340 दिया है, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, अब हमको सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम होगा तो ये बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप कैसी रहती है, इट इज ओपन पाइप इट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वाइस एल रहता है, ठीक है, एल कैपिटल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल लिया तो भी चलेगा, तो एल इज इक्वल टू क्या आता है, वी अपॉन ट्वाइस एन आएगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू निकालेंगे, एल इज इक्वल टू वी की वैल्यू है, देखो वी की वैल्यू 340 है अपॉन 2 इंटू एन की वैल्यू है 300, इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको ये आएगा 217 जा, ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 1.7 अपॉन 3, 30 है ना, तो मैं ऐसा लिखती हूँ, इट इज़ इक्वल टू 0.56 और आगे आएगा 3 5 15 और फिर बचता है 2, तो 3 6 3 6 ऐसा आएगा 666, यानी इट इज़ नियरली इक्वल टू 0.57 मीटर, दिस इज़ द आंसर, ठीक है, समझ में आया, ओके, बहुत इजी था। 17 नंबर के न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं, 17 नंबर का न्यूमेरिकल पढ़ती हूँ, फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, क्या क्या फाइंड करना है, फंडामेंटल भी फाइंड करना है, ओके, फर्स्ट ओवरटोन वाली हम डिनोट करते हैं N1, सेकेंड ओवरटोन दैट इज इट इज N2, फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड, पाइप कैसा है ओपन एट बोथ द एंड्स, ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है, एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर, कैलकुलेशन के लिए ईजी जाता है इसलिए मैं इसको 1.4 मीटर कर देती हूँ, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितना दिया है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तीनों फ्रिक्वेंसीज निकालनी है हमको, तो हमको मालूम है, अब यहाँ पे एंड करेक्शन वगैरह कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट ही करना है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है ओपन पाइप के लिए, एन इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वाइस एल रहता है, वी की वैल्यू डालो सिर्फ 332 × 1/4, इसलिए मैंने 1/4 किया था, ये आ जाता है देखो 6, ये ऊपर चला जाएगा 2 × 330, दैट इज इट इज 660 हर्ट्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, n आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंसर, N1 निकालना है, N1 के लिए अब फॉर्मूला क्या है हमारा ओपन पाइप के लिए, n इज इक्वल टू सपोज इट इज np इज इक्वल टू p प्लस 1 × n, ऐसा रहता है। अब n फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमको निकालनी है, देखो N1 निकालना है, N1 निकालना है तो p की वैल्यू 1 रखेंगे, N1 इज इक्वल टू 1 + 1 और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू डालेंगे वहाँ पे, फ्रिक्वेंसी अभी हमने निकाली है तो कितनी आती है देखो 1 + 1 × n, n हमने अभी निकाला है देखो यहाँ पे 660, ठीक है, तो
तो वो 660 यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 × 660 इट इज़ इक्वल टू 1320 हर्ट्स आएगा। ठीक है, ये हो गया एन वन, एन वन 1320, देखो आंसर में है 1320 हर्ट्स, ये आंसर आ गया है। अब एन टू निकालना है हमको, एन टू की वैल्यू निकालेंगे, एन टू इज इक्वल टू, अब फिर से ये एन पी में टू डाला है तो पी प्लस वन यानी 2 + 1 आएगा और एन है 660, तो इट इज़ 3 × 660 इट इज़ इक्वल टू 3 6 ये जो 3 0 0 18 और एक 19, 1980 हर्ट्स, ये एन टू की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, 1980 हर्ट्स दिया है आंसर। ठीक है, ये हमको मिल गया है, तो बहुत इजी था ये, तो ये समझ में आया। कुछ इजी भी है रहते हैं, कुछ हार्ड भी रहते हैं, तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, इसीलिए थेरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। थेरी अच्छे से करना है, करना है यानी कंसेप्ट उसको समझ के करना है, तो ही आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करते आएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, बहुत सारे हो गए, आपके भी एनर्जी लेवल और मेरी भी कम हो गई है, तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।